I'm matching Kyuming here. Welcome to our show, Twinterview. Twinterview, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं आपके चहेते सेलिब्रिटीज से, जहाँ होता है थोड़ा प्रमोशन, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा कन्फेशन और ढेर सारा फन. तो आज हमारा पहला एपिसोड और हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे पहले एपिसोड जितने ही स्पेशल हैं. बट ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी वेल नोन यूट्यूबर हैं. इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है द वन एंड ओनली भुवन बम. भुवन, वेलकम टू आवर शो ट्विन इंटरव्यू. लेकिन एक सेकंड, ये सिर्फ इसी नाम से नहीं और बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं. एक मिनट. टीटू मामा, बबलू जानकी, मिसेस वर्मा, अदरक बाबा, मस्टर वाला, डिटेक्टिव मंगलू, डॉक्टर सैगल, समीर फुद्दी, बबली सर, बेंचो माकिचू. ओ सॉरी सॉरी, बाबा माकिचू. मेरी तरफ से भी सॉरी. हमें जानना चाहते हैं आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में. मेरे को डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. डर लग रहा है? हाँ, एक दरखास्त है मेरी कि बहुत बोलते हैं ना, एक रिजेम्बलेंस बहुत अनकैनी होती है कि मतलब लिटरली कांट डिफरेंशिएट. हेयर स्टाइल अलग रख लेते आप दोनों, हेयर स्टाइल भी सेम है. मतलब आप इस धरती पे किसी का भी बना सकते हो इस टाइम पे. क्या बना सकते हैं? पोहा. हमने बहुत पोहे बनाए. सो गुड टू बी हियर और बहुत मजा आ रहा है. मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूं, आई एडमायर व्हाट यू. Congratulations for your lovely show. We really loved it, Dindora. Thank you. बहुत अच्छा है, बहुत amazing देखा? है. देखा? बिल्कुल देखा. अरे वाह. Budgeted है. बढ़िया. बहुत अच्छा लगा. Actually हम एक show में काम करते थे तो वहाँ पे जितने भी DOPs थे and ADs थे वो ये बोलते थे कि यार 2 बजे आने वाला है, प्लीज जल्दी रोल कर लो, हमें लंच में डिंडोरा देखना है. फैन बेस है लिटरली. लंच ब्रेक आपके शो की वजह से जल्दी हो जाता है. थैंक यू. जितने लोग 2 बजे वक्त निकाल के प्रीमियर देखते हैं, थैंक यू. तुम लोगों के लिए कोई स्पेशल जगह है ऊपर जन्नत में. तो आपने डिंडोरा में जितने भी कैरेक्टर्स अपने खुद के ही ले लिए, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? बीबी की मैंने 6 साल पहले शुरू किया था, तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना है. बट जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते गए, अब 19 कैरेक्टर हैं और वो सारे कैरेक्टर्स वही हैं जो पब्लिक और देख चुकी है पहले. ओके. तो सब लोग वाकिफ हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर ये करता है वो करता है. सो डिंडोरा में आपने 10 कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया. yes. अपने ही कैरेक्टर्स का. तो ज़्यादा काम किसका था, आपका या कॉस्ट्यूम मेकअप वालों का? यार हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जो कॉस्ट्यूम मेकअप है उन्हीं की वजह से मोस्ट लाइकली लोग अलग अलग दिखते हैं. राइट. जैसे आई एम श्योर जो आपकी कॉस्ट्यूम मेकअप टीम है, दिल मेक श्योर कि आप लोग एक जैसे देखो, है ना. मेरे साथ उल्टा था, मेरे साथ उल्टा था क्योंकि बाल लंबे हैं. वो लिमिटेशन है एक बालों के साथ कि बाल बहुत, मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, बहुत ज़्यादा. तो अगर 1 घंटे से ज़्यादा ऐसे छोड़ दिए तो सारे बाल ऐसे फ्लैट हो जाते और फिर सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं दिल स्टार्ट लुकिंग लाइक ईच अदर. तो देवर ऑन देयर टोज ऑल द टाइम कि कैसे हम इस कैरेक्टर को अलग रखें. और आप देखना टीटू मामा सारे कैरेक्टरों से अलग लगता है. मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है, मैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर था और एक सर आते हैं और वो बोलते हैं बीबी के मैंने देखा मैंने आपका. मैं सर थैंक यू. ये डिंडोरा के पहले की बात. तो कहते वो टीटू मामा का रोल फेवरेट है. मैं सर थैंक यू. कह रहे कहाँ रहते हूँ? इंदौर में. मुझे लगा प्ले ही इज प्लेइंग अलॉन्ग. तो मैंने भी आई शुड आई ब्रेक हिज बबल. तो मैंने कहा जी सर इंदौर में रहते हैं, कब आएंगे? मैंने कहा कब आएंगे? मैंने कहा सर आ जाएंगे नेक्स्ट वीक. अच्छा कविता मामी साथ? मैंने कहा ये ज़्यादा हो रहा है. मैंने कहा फिर मैंने बताया नहीं उनको. अच्छा. मैं प्ले अलॉन्ग किया पूरा टाइम. मैंने उनको बोला हाँ ठीक है आएंगे नेक्स्ट टाइम. वो आए ना उनसे एक वीडियो बनवाना ज़रूर, असली में लोगों को दिखा देना ना एक बार कि वो कैसे हैं लाइफ पे. अच्छा. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है. सेम चीज़ ढिंडोरा के लिए पूरी मेकअप टीम और जितनी कॉस्ट्यूम टीम है सबको क्रेडिट देता हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि उन्होंने क्या काम किया. तो अगर आप देखेंगे जो बबलू जी का कैरेक्टर है जो मफलर लगाते हैं, उनका पेट है नकली. अच्छा. नकली पेट लगा रखा है. जो मम्मी है उसके लिए आई हैड टू वेयर अ ब्रा. मम्मी के लिए हैड टू वेयर क्या बोलते हैं उसको, फेक बम पैड्स बोलते हैं उसको. कि थोड़ा शी शुड लुक, इफ शी इज विथ बबलू जी तो दे बोथ शुड लुक डिफरेंट. तो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करे डिंडोरा में, तो ऐसे नहीं लग रहा आपको आपने खुद के साथ ही नेपोटिज्म कर लिया? हाँ देखा, अपने कोई चांस दे रहे हैं. अपने कोई चांस दे रहे हैं अपने ही चैनल पे. नहीं लेकिन आपने एक लड़की को भी चांस दिया, खुद के साथ ही रोमांस कर ले तो उनको लेने क्या जरूरत थी? यार पता है क्या उसका भी रीजन है, अगर मैं कोई फीमेल कैरेक्टर करूंगा ना आई डोंट वांट इट टू लुक लाइक अ क्या बोलते हैं कैरिकेचरिस्ट. नहीं लगना चाहिए वो कि लेडीज का मजाक उड़ रहा है. हो जाता है ना अक्सर आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो जब आपको लगता है कि ये फेमिनिन होना चाहिए
पर इसको ऐसे कर देता हूं, वो ओवर एग्जैजरेशन हो जाता है. नो राइट. तो हु बेटर देन हर टू प्ले द पार्ट. नाइस. और सेट पे भी आसानी हो जाती है ना मेरे को. अच्छा कैसे? आई लुक फॉरवर्ड कि किसी से तो बात कर पाऊंगा, किसी असली इंसान से बात कर पाऊंगा. अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम दोनों के दिल से एकदम से बाहर आ रहा है जी. आपने ढिंडोरा में सारे यूट्यूबर्स को लिया, शायद आप दो यूट्यूबर्स को लेना भूल गए जो बहुत सुंदर है. वो इसलिए क्योंकि स्टनिंग है. वो इसलिए क्योंकि अभी मेन चीज आनी बाकी है जिसके अंदर मैं क्योंकि सीजन 2 भी तो बनाना है ना कभी ना. अच्छा 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 आप इतने प्यारे सिंगर हैं, हमने आपके गाने सुने हैं, क्या आप हमारे लिए दो लाइनें गाना चाहेंगे? सो ये गाना, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग आई हैड एवर रिटन. ओके. इट्स कॉल्ड तेरी मेरी कहानी. तो बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें. देखू कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे. तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है. शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली. तेरी मेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है. तो आपके सबका फोन है? हाँ. हाँ, ओपन योर. गए फंस गए जी. अब ना आप YouTube खोलो प्लीज जी. अपने सब्सक्राइबर्स दिखाइए हमें. रुको ना, इतना बड़ा आधे डोनेट कर दो सब्सक्राइबर्स. डोनेट क्या करने हैं? जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये एपिसोड खत्म तो हो जाएगा, उसके बाद जाके इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है. दे आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क. क्योंकि सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता. अगर ये वीडियो यहाँ पे है तो यहाँ कहीं होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबाओ. एक सेकंड भी नहीं लगे. थैंक यू. सुना ना, सुना ना. थैंक यू. तो हमें फोन निकालो ना, आपने रखी थी अभी. डर गए. तो आपको इसके ऊपर हाथ रखना है अपने. अच्छा. YouTube के ऊपर बोलना है कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. मेरा एक और चैनल है. अच्छा. नहीं, हमें बड़े वाला ही चाहिए. एक मेरा अनलिस्टेड चैनल है. नहीं, हमें बड़े वाला ही चाहिए. हां ठीक है. मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. डिपेंड्स. सच के सिवा कुछ नहीं. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पहले किसी बार में गाना गाते थे? हाँ. सी इट वाज अ मुगलई रेस्टोरेंट और ये साकेत में होता था और वहाँ मैंने 2 साल परफॉर्म किया है. और हमारा ट्रियो था मंडे टू संडे रात को 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एवरी डे. उस चक्कर में कॉलेज भी मिस किया मैंने बहुत अपना. उसी बार में किसी अननोन लोगों ने दारू पी के आपसे ऐसी फरमाइशें करी हूँ कि आप शर्मा गए? हाँ, मिले कई कई बार. ऐसे मिलते थे लोग. एक आया बोलता है टी शार्प में गाना गा दो. क्या? टी शार्प में गाना गा दो. गाया हमने टी शार्प में और माइक पे अनाउंस कर गए सर के लिए ये गाना है, फलाना कोई गाना था ये सर के लिए टी शार्प में. और वो कह रहा है वाह 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 और वो ऐसे खड़ा हुआ. आहा, मजा आ गया. मजा मतलब वो घर जाके बताएंगे कि मैंने उन लड़कों से टी शार्प में गाना गवाया. मैं सही. अच्छा गुड. आप बिग बॉस में गए थे कुछ टाइम के लिए, अपना आपने ढिंडोरा प्रमोट किया वहाँ. हाँ. तो अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? नहीं, नहीं. क्योंकि मेरे अगर 72 कैमरे होंगे मेरे आसपास तो मैं तो आई कांट बी माई सेल्फ. आपकी पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी वहाँ पे? पोल पट्टियाँ भी नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, मैं यूँ खड़ा रहूँगा. क्योंकि बहुत कॉन्शियस हूँ, अभी 3 लगे मेरी हालत खराब हो चुकी है. वहाँ आप इधर देख रहे हो, इधर 2 कैमरा है, इधर देख रहे हो, कैमरा आपकी मुंडी फॉलो कर रहा है बस. आप ऐसे देख रहे हो, कैमरा भी नहीं जा रहा. आप वहाँ खड़े होकर शांति से यूँ नहीं कर सकते. फिर लोग ट्रेंड हो जाएगा कि बगल खुल जाता ही है. तो ये सारे रीजंस हैं. ओके. जैसे हम बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. आई होप आप भी सीखते होंगे बहुत. हाँ, कुछ. हाँ. तो आपने जॉनी सिंह से काम किया, उनके सुन से क्या सीखा? उनसे मैंने सीखा कि जो हम सीखना चाहते हैं वो बड़ा कठिन है. यहाँ जैसे कैमरे के इस तरफ बैठ के लगता है ना कि क्या यार एक्साइटिंग चीज़ है. उसकी बात सुन के लगा कि अरे बेचारा ऐसे ही लगा मुझे. क्योंकि वो कह रहा है कि इट्स ऑल गॉन नाउ. कह रहा है ऐसा लगता है कि 5 days यू हैव टू डू 1 थिंग ओनली एंड इट सक्स द लाइफ आउट ऑफ यू. तो बोलते हैं कि कुछ लाइफ ही नहीं रही सोशल लाइफ. तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कंफ्यूजन.
आप हमसे तो काफी कंफ्यूज हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको थोड़ा और कंफ्यूज करें. ठीक है, तो आपके सामने आएंगे कुछ गुब्बारे उड़ते हुए, उसमें होंगे सवाल, वो हमें भी नहीं पता क्या है. ठीक है, हमारे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी, but you have to answer it very honestly. ठीक है, ठीक है. गुब्बारे पेश किए जाए. अच्छा, अच्छा. वाओ, कहाँ चिट? वाह, कैसे डाली है चिट? Say the entire alphabet backwards. मतलब वो सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको backwards बोलना है. मेरे को तो LMNO भी LMNO करके बोलना पड़ता है क्योंकि आगे का नहीं आता मुझे आगे का याद नहीं है. Z Y X तो पूरी चल रही है. सीधी सुना दो आप. नहीं नहीं उल्टी मत है. W V U क्यों ना इसको चॉप चॉप करें एकदम क्रिस्प बना दे कि लाइन से बोले जा रहा बोले जा रहा. हाँ ये टफ यार. जेड भाई आपको पता है? नहीं, ये आपका सवाल है, आप करो. जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी. थैंक्स. दिमाग मेरा ऐसा हो गया कि कुछ नहीं कर सकता मैं. चलेगा, वी गिव यू द पॉइंट. नेक्स्ट बलून. नाइस. डांस विथ नो म्यूजिक फॉर वन मिनट. वैसे म्यूजिक बजा के भी कुछ फायदा नहीं है, सेम नाचता हूँ मैं. अरे अभी देखना आप कैसा साइलेंट नाच करते हो. किल चोरी करते हैं. ठीक है, कैसे था? एक सेकंड मुझे याद करने दो, वो रिहर्सल का दिन. हाँ हाँ, अपना गाना भूल गया. सॉरी. हाँ, क्यों कट कट में किया था ना वो. अच्छा, इसके ऊपर सारे मीम और कुछ गाना चला देंगे. एक मिनट हो गया. हो गया. बाप रे. नेक्स्ट. यस. थर्ड बलून. यार ये गुब्बारे घर के लिए चाहिए. ये गुब्बारे बहुत भयंकर है. कॉल अ फ्रेंड प्रिटेंड इट्स देयर बर्थडे एंड स्टार्ट सिंगिंग हैप्पी बर्थडे एंड पुट द फोन ऑन लाउड स्पीकर. This would be nice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arvin. Happy birthday to you. भांग भी लिया. हैं? भांग भी लिया. भांग क्यों पियूंगा? क्या हो गया? Happy birthday भाई. कौन सा birthday? भाई happy birthday Arvin. पागल हो चुका हूँ. लेकिन ठीक है. थैंक यू. ओके भाई. ओके. मोहब्बत देख रहे हो आप. थैंक यू बोल के काटा है उसने. कह रहे विश कर दिया जाया नहीं जाने दूंगा. वाह वाह वाह. दोस्त होने चाहिए. बढ़िया. क्या पास हुआ कि नहीं हुआ मैं? बस. तो जैसा कि आपने अभी देखा, इन लोगों ने मेरे से बहुत सवाल पूछे, इधर उधर के सवाल पूछे, गुब्बारे फटवाए. अभी मेरी बारी है. मैं इन दोनों से कुछ अपने सवाल हैं जो मैं लेके आया हूँ. क्योंकि जैसा कि आपने देखा टीटू डॉक्स, ये है टीटू डॉक्स अंधेरी वर्जन. और इसके अंदर दो सवाल, दोनों से सवाल पूछूंगा. सवाल अलग अलग है. पहला सवाल है, आप लोग मैंने सुना दिल्ली से. हाँ जी. दिल्ली में सर्दी पड़ती है. बिल्कुल, बहुत ज्यादा. जुकाम होता है. नाक में उंगली कौन डालता है? दोनों. दोनों आप भी डालते होंगे. अगला क्वेश्चन. आप दोनों में से ज्यादा झगड़ालू कौन है? मैं. ये मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूं, मैं बहुत झगड़ालू. क्यों ऐसा? पता नहीं, मैं गुस्सा जल्दी आता है. कुटाई से डर नहीं लगता आपको? मारती है? ये मारती है? नहीं नहीं मारती. बिल्कुल नहीं. झगड़ा भी आप करते हो, मारते भी आप हो. मेरी सॉरी. आप दोनों में से एक दूसरे की ये कुतियापंती कौन करता है? बिचिंग. बिचिंग कौन करता है? बिचिंग कौन करता है? एक्चुअली हम दोनों नहीं करते एक दूसरे की बिचिंग. नहीं, दूसरों की बिचिंग आके एक दूसरे से जरूर करते. अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जब नहीं है तो इसके पीठ पीछे कोई शिकायत कर दे? मैं सुन ही नहीं सकती. नहीं सुन सकते आपस में, घर में मम्मी के सामने? या मम्मी के सामने चलता है. मम्मा को अपनी तरफ करना. अच्छा, यही है इसकी ट्रिक. आप करते हो? नहीं.
क्या करते, झगड़ा भी नहीं करते, बिचिंग भी नहीं करते, अच्छे हो आप, मतलब यू आर अ गुड कॉप, यू आर अ बैड कॉप? आई एम नॉट अ बैड कॉप, मतलब कभी कभार मैं भी झगड़ा करती हूँ, ऐसी बात नहीं। गुड, प्राउड ऑफ यू। जब इसकी ज्यादा दादागिरी होती है ना, तो फिर मैं आती मैदान में। डन। तो आप दोनों में से मम्मी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है सबसे ज्यादा? हम दोनों मिलके झूठ बोलते हैं, दोनों मिलकर प्लानिंग होती है। सॉरी मम्मी, ये सवाल गलत है। तुम दोनों में से सेंस ऑफ ह्यूमर किसका अच्छा है? क्योंकि मुझे पता है दोनों का अच्छा है। अरे है ना, मेरे को लगा बोलो कि दोनों में से किसी का अच्छा है। मेरा भी अच्छा है, मुझे बात बात में मजाक करने की आदत है। किसका अच्छा है? हम दोनों का। किसका अच्छा है? मेरा तो अच्छा है। आपका अच्छा है? ठीक है, दैट्स माय टाइम। दैट वाज स्टील डॉग्स अंधेरी वर्जन। फॉर यू, वेरी नाइस, बट बहुत मजा आया आप हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आया। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। थैंक यू, कीप फॉलोइंग देम, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इस कैमरे में बोल रहा हूं मैं। थैंक यू सारे कैमरामैन। चलो तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ट्विच ऑफ यू।